प्रधानमंत्री का तो मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री पुलवामा की घटना पर नहीं बोलते हैं, पुलवामा की घटना पर चुप्पी लगा लेते हैं, अडानी के महा घोटाले पर चुप्पी लगा लेते हैं, मणिपुर की हिंसा पर चुप्पी लगा लेते हैं, और अब जब पहलवानों का मामला हुआ इस पर चुप्पी लगा लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी अपनी आवाज को खो चुके हैं, वो शायद गूंगे हो चुके हैं, इसलिए मोदी जी बोल नहीं पा रहे हैं, और विदेश में जाके उनकी आवाज निकलनी शुरू हो जाती है, यहाँ तो बोलते नहीं है वो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कर्नाटक का चुनाव बीजेपी एक बढ़िया और कारण है जिसके कारण हारी, और वो बड़ा कारण ये है कि कर्नाटक के अंदर जो है वो लोग जो है वो हिंदी भाषा की न्यूज चैनलों को नहीं देखते, मोदी मीडिया की भाषा को नहीं समझ पाते हैं, जिस कारण वहाँ पर उनकी हार हुई है। कैंडल मार्च निकाल लेते, उससे पहले कनॉट प्लेस का चक्कर लगा लिया, उससे पहले हनुमान के दर्शन कर लिए, वाहेगुरु के दर्शन कर लिए, गांधी जी से न्याय मांग लिया, कैंडल मार्च निकालो, पूछ कौन रहा है तुम्हें? बात आप मुझे बताओ, पूछ कौन रहा है? सब आपको ही पूछते हैं क्या? नरेंद्र मोदी को पूछते, पूछ तो कोई किसान को भी नहीं रहता, सभी जीते ना, ये नहीं जीते, 13 महीने बैठे रहे, 1000 किसान मर गए, क्या पूछा उसके बाद भी? एमएसपी पे कानून आज तक नहीं बना, कौन पूछ रहा है? अरे आपको पूछ रहे हैं, ये बताइए ना मुझे, पूछने से नहीं क्या होता है बताइए मुझे। हमारे को प्रोटेस्ट करने की आजादी, हम लोग प्रोटेस्ट करें और हम लोग जीत के घर जाएंगे। अगर कोई नहीं पूछ रहा तो आप यहाँ करने के आए हैं? अरे हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आप क्या करने आए हो यहाँ? पूरे देश के अंदर देश के लोग तो देख रहे हैं क्या? देश के लोगों को नहीं पता? देश के प्रधानमंत्री तो जापान गए हैं, देश की जनता जापान थोड़ी चली गई है, प्रधानमंत्री तो जापान गए हैं। प्रधानमंत्री का तो मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री पुलवामा की घटना पर नहीं बोलते हैं, पुलवामा की घटना पर चुप्पी लगा लेते हैं, अडानी के महा घोटाले पर चुप्पी लगा लेते हैं, मणिपुर की हिंसा पर चुप्पी लगा लेते हैं, और अब जब पहलवानों का मामला हुआ इस पर चुप्पी लगा लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी अपनी आवाज को खो चुके हैं, वो शायद गूंगे हो चुके हैं, इसलिए मोदी जी बोल नहीं पा रहे हैं, और विदेश में जाके उनकी आवाज निकलनी शुरू हो जाती है, यहाँ तो बोलते नहीं है वो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कर्नाटक का चुनाव बीजेपी एक बढ़िया और कारण है जिसके कारण हारी, और वो बड़ा कारण ये है कि कर्नाटक के अंदर जो है वो लोग जो है वो हिंदी भाषा की न्यूज चैनलों को नहीं देखते, मोदी मीडिया की भाषा को नहीं समझ पाते हैं, जिस कारण वहाँ पर उनकी हार हुई है। और आज मैं आपको एक बात बता दूं, जो कल तक जो लोग कह रहे थे कि और भी खिलाड़ी नहीं आ रहे, देश के लोगों की स्थिति इतनी खराब हो गई है, देश के लोगों का दिमाग इतना पागल हो गया है कि कल क्रिकेट का मैच था, क्रिकेट मैच के दौरान एक खिलाड़ी है जिसका नाम शुभमन गिल है, उसने जब शतक जड़ दिया तो लोग सोशल मीडिया पर उसकी बहन के साथ रेप करने की धमकी दे रहे थे। आप सोच कर देखिए इस देश के अंदर अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं कि वो लोग सोशल मीडिया पर एक बेटी को सरेआम उसके साथ उत्पीड़न की धमकी दे रहे हैं। सोचकर देखिए सरकार क्या कर रही है, देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री विदेश घूमने से फुर्सत है नहीं जो देश की बहन बेटियों पर ध्यान दें? क्या देश के प्रधानमंत्री इस देश की बहन बेटियों की जो इज्जत और आबरू लूट रही है, आपको लगता है कि इसके ऊपर उनका ध्यान जाता है? वो तो कह रहे हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं प्रधानमंत्री जी, ठीक से बोल ही नहीं पाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह वो तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ, और देश के प्रधानमंत्री ने ये बोला भी नहीं था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो बताया नहीं कि किससे बचाने की जरूरत है बेटियों को। बेटियों को बचाने की जरूरत है बीजेपी के बलात्कारी नेताओं से, बीजेपी के गुंडे नेताओं से। आप उठाइए बीजेपी का इतिहास और बीजेपी के इतिहास को देखिए उठाकर, उसमें आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा हिंदू बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार किसने किया है। ये मुगलों का इतिहास तो बताते हैं कि मुगलों ने कैसे धर्म परिवर्तन किया, कैसे हिंदू बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी, बहुत सारी चीजें बताए ना। अब जब इनकी पार्टी के नेता अब जब इनकी पार्टी के नेता बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूट रहे हैं, तब इनको दिखाई नहीं दे रहा है। आप कह रहे हो कि उनको अपने नहीं दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे तो रहे हैं, कैसे दिखाई नहीं दे रहे? अपने का पूरा बचाव किया जा रहा है। वो क्या नाम ब्रजभूषण सिंह कह रहा है कि अगर प्रधानमंत्री जी जेपी नड्डा जी गृह मंत्री जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो क्यों नहीं कह रहे हैं? क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जो ब्रजभूषण शरण सिंह जो करोड़ों खरबों रुपया उसके पास, कैसे बोल देंगे मोदी जी? इतना बड़ा लेवल का कोई फाइनेंसर है उनके पास में? दूसरी बात ये, उसने एक बात और कही थी ब्रजभूषण शरण सिंह ने कि भाई साहब अगर मैंने मुंह खोला तो कई लोग अंदर जाएंगे, क्यों नहीं मुंह खोल रहा वो? क्या पता उसके पीछे और बड़े बड़े नेता और पॉलिटिशियन का हाथ, और इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं। अभी तक तो खिलाड़ी कह रहे थे कि नार्को टेस्ट हमारा करा लो, अब तो उसने भी कह दिया ब्रजभूषण शरण सिंह ने कि मेरा नार्को टेस्ट कराओ, क्यों नहीं करा रही सरकार? अरे क्यों नहीं करा? सरकार ही तो नहीं कराना चाहिए? क्या मजबूरी है? सरकार को पता है कि नार्को टेस्ट हुआ, नार्को टेस्ट में सच सामने आएगा। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह ने और भी लोगों का नाम ले दिया तो सरकार भी गिर सकती है भैया पूरे देश के अंदर। ब्रजभूषण शरण सिंह इतना शक्तिशाली होगा कि बहन बेटियों की इज्जत दिखाई नहीं दे रही सरकार को?
सरकार को बहन बेटियों की इज्जत अगर आबरू दिखती तो इनकी पार्टी का नेता विधानसभा में देख रहा था पॉर्न वीडियो, सरकार को तब दिखाई नहीं दिया। इनकी पार्टी का एक नेता बहन बेटी के साथ बलात्कार करके चला गया कुलदीप सिंह सेंगर, तब इन्हें दिखाई नहीं दिया। इससे पहले असेंबली में बैठ के एक नेता पॉर्न वीडियो देख रहा था, तब इन्हें दिखाई नहीं दिया। कहा दिखता नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी अगर खुद बेटियों की इज्जत करते तब तो इन्हें समझ में भी आता कि बेटियों की इज्जत की क्या कीमत होती है। मोदी जी तो खुद सुपर्णखा शब्द का प्रयोग करते हैं सदन के अंदर, सोच के देखिए क्या इज्जत करते हैं। आप कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी जी सुपर का शब्द का प्रयोग करें, तो सुपर का शब्द से क्या दिक्कत क्या है आपको? सुपर का नाम है, लिया जा सकता है। अच्छा, तो नाम तो भस्मासुर भी है, तो मोदी जी को भस्मासुर बोल दें? बताइए, नाम तो भस्मासुर भी है तो मोदी जी को भस्मासुर बोल दें क्या? बताइए आप मुझे। नहीं बोल सकते हो, फंडामेंटल राइट से आपको किसने रोका? रो बोल तो रहे हो ना, सकते हैं? एक बार आप बोलिए मोदी जी को भस्मासुर। नहीं मैं क्यों बोलूंगा, आप बोल सकते हो ना, आपका राइट से आप बोलिए। आप देश में नहीं रहते, संविधान आप पे लागू नहीं होता। बिल्कुल होता है, जब मेरा मन करेगा बोलूंगा ना, जब मेरा मन करेगा बोलूंगा। आपका मन कब करेगा? जब मेरा मन करेगा। अरे आपका मन कब करेगा? आप मोदी जी की दलाली से फुर्सत हो तो आपका मन करे। अच्छा आप बोलिए ना, एक बार क्यों नहीं बोलते? चलिए बोल। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, आप नाम लेने की बात कर रहे हो। इसी देश के अंदर परशुराम की मूर्ति लगाने की होड़ चल रही है, जिसने 21 बार इस देश की धरती पर से क्षत्रियों का विनाश कर दिया। तो यहाँ तो हर आदमी पूजनीय है, यहाँ तो जिस आदमी ने सरकार अंग्रेजों से माफी मांगी वो पूजनीय है, उसके जन्मदिन पर नए पार्लियामेंट का जो है वो उद्घाटन हो रहा है। उसको लेकर एक बात भी तो बोली गई है, नए पार्लियामेंट का उद्घाटन किसके हाथ से होना चाहिए? नए पार्लियामेंट का उद्घाटन भारत का जो प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताइए, भारत देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से नेशनल चैनल पर बहुत सारे कार्टून देखे होंगे, लेकिन कभी भी किसी भी देश के राष्ट्रपति के ऊपर कोई कार्टून नहीं बनता, क्योंकि ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, और किसी देश का प्रथम नागरिक अगर कार्टून है तो पूरा देश कार्टून है। तो प्रथम नागरिक के द्वारा यानी राष्ट्रपति के द्वारा भाई वो सदन का उद्घाटन 28 मई क्यों निकली गई? मैं आपसे ये कह रहा हूँ 28 मई तो 14 अप्रैल को किया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने लोकतंत्र में क्या योगदान है, मैं आपसे कह रहा हूँ जिस व्यक्ति ने क्या कैसी बात करें, योगदान नहीं है क्या? माफीनामे किसने लिखे हैं बताइए ना, आपने लिखे हैं क्या भाई? माफीनामे लिखे हैं बुलबुल पर बैठकर, माफीनामे लिखे हैं बुलबुल पर। मोदी जी और सावरकर दो ही आदमी बैठ सकते हैं, आप और हम नहीं बैठ सकते। देखा होगा आपने, अभी थोड़े दिन में आप मोदी जी के भी देखेंगे। मोदी जी की कहानियां नहीं सुनी आपने? कभी बांग्लादेश की लड़ाई की कहानी, ठीक है, कभी वो ताले वाले की कहानी। ये तो कर्नाटक में इन्होंने नहीं बोला कि कर्नाटक से मेरा पुराना नाता है, मेरी माँ बोला करती थी बेटा चल कर नाटक, लेकिन करते नहीं है कर्नाटक। कर्नाटक में किया नाटक लेकिन सफल नहीं हुआ, ठीक है। तो भैया मोदी जी का काम है झूठ बोलने में, झूठ के अलावा अगर ये प्रधानमंत्री कुछ करते हो तो बताइए। इसीलिए हो रहा 28 मई को उद्घाटन। मैं कहता हूँ कि इस देश के अंदर उद्घाटन पार्लियामेंट का देश के राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। ये सिर्फ आदिवासियों का, दलितों का सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं, और उद्घाटन की सही तिथि होनी चाहिए 14 अप्रैल, जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। जिस व्यक्ति ने इस देश को संविधान दिया, देश के संविधान निर्माता के द्वारा, उनके दिन पर ये पार्लियामेंट का उद्घाटन होना चाहिए। चलिए, तो आप थे मोहित शर्मा।